Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्यूरी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और एक चीज़ों को देख लेंगे कि बिजनेस लॉ के अंदर कौन कौन सी सिलेबस में चेंज आई हैं और कहाँ कहाँ पे क्या कुछ उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो 8 मई को आईकैप ने 8 मई को एग्जाम की गाइडलाइन इशू की थी उससे लिया गया है, तो ये मतलब 100% एक्यूरेट चीज़ है। इसके अंदर से ये है कि मेरी अपनी कोई जजमेंट नहीं होगी, जो कुछ उन्होंने बताया इसमें मैं एज इट इज़ आपको बता दूंगा। ठीक हो गया, तो आप क्या करें कि आप अपनी स्टडी बुक साथ उठा के बैठे, स्टडी टेक्स्ट जो आईकैप की उसमें से ये वाले टॉपिक निकालते जाएंगे जो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक हो गया, सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न वो चेंज हो गया, आप सबको पता है 30% जो है वो एमसीक्यूज टाइप होगा, 70% जो होगा वो थ्योरेटिकल होगा, रिटन टाइप जो होगा क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, और उस 70% का जो 40% है वो नॉलेज बेस्ड जिसको हम रटा बेस्ड कहते हैं, और जो 60% होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड जिसको हम सिनेरियो बेस्ड कहते हैं वो वाला होगा। ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड की तैयारी कहां से करें, तो आईकैप ने अपनी एक बुक क्या कहते हैं, छोटा सा बुकलेट जो है वो अपलोड कर दी है वेबसाइट पे, वहां से जाके आप उसको लेके उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेरी सजेशन इसमें यही होगी कि आप ओल्ड पैटर्न पे तैयारी करें। ठीक है, तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते, सीधा हम अपने चलते हैं स्ट्रेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर 1 के अंदर से क्या कुछ हुआ है, तो देखें कि मोस्टली इसमें डिलीशन हुई है, 2-4 टॉपिक ऐड हुए हैं, तो हम एडिशन भी देख लेंगे, वो एग्जाम सप्लीमेंट में मौजूद है, हम उसको वहां से देखेंगे, लेकिन अभी हम डिलीशन देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में जो क्या कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट 1.5 था सोर्सेज ऑफ लॉ, वो पूरे का पूरा निकाल दिया गया है। 1.7 था बाइंडिंग प्रेसिडेंट वाला, वो भी सारे का सारा निकाल दिया गया। और इसके अलावा 3 था जो लर्निंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट, वो पूरे का पूरा निकाल दिया गया है। काफी सारा पोर्शन इसका निकाल दिया, जिसके वजह इसका वेटेज भी तकरीबन 4 से 6 कर दिया, पहले 5 से 10 के होता था। ठीक हो गया, तो पहले चैप्टर में से ये 3 टॉपिक एक्सक्लूड कर दिए गए, आप इसको मार्क कर ले। उसके बाद हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, चैप्टर 15 के अंदर ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली जो है उसको निकाल दिया गया। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक था वो पूरे का पूरा निकाल दिया गया। सेम इस तरह फाइंडर ऑफ गुड का जो टॉपिक था वो भी पूरे का पूरा निकाल दिया गया है। ठीक है, निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, चैप्टर 18 के अंदर जो सेक्शन 1-3 है ये है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, 1.4 जो है उसको निकाल दिया गया। उसके बाद जो क्या कहते हैं सेक्शन 16-25 रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी, ये भी सारे के सारे निकाल दिए गए। और उसके बाद जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है सेक्शन 82-9 डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, वो भी पूरे का पूरा निकाल दिया। मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं फिर भी कंप्लीट निकाल दिए गए हैं। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्ट साथ साथ मैं लिख दिया, 1.4 है ये, इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पैराग्राफ है, इसको भी आप डिलीट कर देंगे। और जो लर्निंग ऑब्जेक्ट 5 है इसका निगोशियेबल स्टेट चैप्टर 18 का, वो भी आप पूरे का पूरा निकाल देंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलते हैं कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट के अंदर से देखते हैं, उसके बाद फिर मजीद नीचे आएंगे जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लेते हैं फिर बाद में कंपनीज एक्ट की तरफ आएंगे। तो उसके बाद जनाब जी क्या कहते हैं चैप्टर 5 के अंदर जो 1.4 का सेक्शन है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट उसको निकाल दिया गया है। इस तरह चैप्टर 7 के अंदर मेंटेनेंस चैंपल्टी वाला जो टॉपिक है छोटा सा एक चैंपल्टी वाला वो निकाल दिया गया। उसके बाद चैप्टर 9 में 1.3 जो क्या कहते हैं इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो निकाल दिया गया। और सेम इस तरह चैप्टर 16 में 3 और 5 जो इरिवोकेबल एजेंसी एंड अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी के 3 और 5 लर्निंग ऑब्जेक्ट है, नंबर 3 और नंबर 5 उन दोनों को निकाल दिया गया है। ठीक हो गया, तो ये चेंजेस थी जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आई हैं। अब हम मजीद देख लेते हैं इसमें क्या कहते हैं कि जो कंपनीज एक्ट है उसको देख लेते हैं कि कंपनीज एक्ट में कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। ठीक हो गया, कंपनीज एक्ट में देखते हैं कि भैया चैप्टर 20 के अंदर सेक्शन 45 प्रोविजन एज टू कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एक छोटा सा टॉपिक है वो निकाल दिया गया है, लेकिन इसके साथ जो बीच में कुछ गाइडलाइंस आई थी 19 में रेवोकेशन वगैरह वो वाली सारी वहीं पे है, तो एक बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था, प्रोविजन था एज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच, तो उसको भी निकाल दिया गया। उसके बाद चैप्टर 21 का लर्निंग ऑब्जेक्ट 2.2 निकाल दिया गया, जिसको अब प्रोविजन ऑफ परचेज ऑफ कंपनी बाय गिविंग अ लोन बाय इट्स फॉर परचेज ऑफ इट्स शेयर, तो ये 2.2 का छोटा सा एक टॉपिक है बीच में से जहां पे वो लोन देने की बात करती है, बाय बैक वाला अभी भी वहां पे फिजिबल है सारा कुछ है, तो एक छोटी छोटी जो लाइन उन्होंने दे दी है सेक्शन 86 दिया, तो सिर्फ ये वाला रिमूव हुआ होगा, पूरे का पूरा टॉपिक नहीं हुआ होगा। इस तरह 87 सब्सिडी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर इन इट्स होल्डिंग, ये भी सारे का सारा उसमें से चैप्टर 21 में से निकाला गया है। चैप्टर 23 के अंदर से सेक्शन 100 रिक्रूटमेंट से रिक्वायरमेंट
तो रजिस्टर मॉर्गेज, मॉर्गेज वाला जो टॉपिक है उसके अंदर काफी सारे ये छोटे 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 टॉपिक आ रहे होते हैं चैप्टर में, तो ये वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद इस तरह कंपनी का जो एंड राइट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी एज रिगार्ड रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज। तो ये जो क्या कहते हैं मॉर्गेज के चैप्टर है 23, उसके अंदर जो मॉर्गेज का टॉपिक है उसके अंदर से सेक्शन 100, सेक्शन 105 जिनके आगे नाम लिख दिए गए हैं ये सारे के सारे रिमूव कर दिए गए हैं। उसके बाद 24 में डिलीशन नहीं हुई। 25 के अंदर चलते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं मैनर, इसका जो 1.4 लर्निंग ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट कर दिया गया है, जिसमें है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें बताते थे कि एससीसीबी मेंटेन करता है और उसमें से सिलेक्ट करना होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनीज ने अपने पैनल पर रखने होते हैं ये वो, तो वो वाली चीजें निकाल दी गई। थोड़ी बहुत एडिशन हुई है, वो कौन सी हुई है वो हम अपने जो एग्जाम सप्लीमेंट है उसमें देखेंगे। उसके बाद 26 चैप्टर का जो 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्लेम शेयर मुदारबा सर्टिफिकेट एंड डिविडेंड टू वेस्ट विद द फेडरल गवर्नमेंट, एक टॉपिक था जिसके अंदर हम लिखते थे कि अगर कोई अनक्लेम्ड शेयर या डिविडेंड रह गया है तो वो कहां पे उनको डिपॉजिट कराना है, उसके फेडरल बैंक क्या कहते हैं फेडरल बैंक का एक अकाउंट होता है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके अंदर जमा कराते हैं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रोविजन थी वो निकाल दी गई है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 27 जो ऑडिटर का पोर्शन है 246, 47, 48, 249, 250, 251, ये जो ऑडिट वाला पूरे का पूरा सेक्शन था चैप्टर 27 में ये पूरे का पूरा निकाल दिया गया, तो जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो क्या कहते हैं इसमें आपकी जिंदगी में थोड़ी सी मोजें आ गई हैं, तो ये वाला चैप्टर 27 का जो ऑडिट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट निकाल दिया गया है, ठीक हो गया। तो ये तो तकरीबन मोटी मोटी बातें थी जो के क्या कहते हैं डिलीशन हुई हैं। तो ये आप अपने स्टडी टेक्स्ट में इसमें से देख के एज इट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है या टॉपिक या पॉइंट या पैराग्राफ है इनको कट कर लें और डिलीट कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया एडिशन कहाँ पे हुई है, तो एडिशन उसने बताया है यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किधर गया टेबल, अच्छा एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन उसने दी है टेबल ए के मुताबिक कि भैया जी टेबल ए की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग याद करनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इतना लंबा जो उसने एग्जाम सप्लीमेंट में दिया हुआ था कि वहां पे सारा नहीं प्रोड्यूस करना, सिर्फ उसकी हेडिंग याद आनी चाहिए आपको या आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए कि उसका कंटेंट कौन कौन सा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन जो इंक्लूड हुए हैं क्वार्टरली अकाउंट, ये चैप्टर क्या कहते हैं 27 में इंक्लूड हुआ है क्वार्टरली अकाउंट का 237, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एग्जाम सप्लीमेंट के अंदर देखते हैं। तो चलते हैं एग्जाम सप्लीमेंट के अंदर, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला सेक्शन जो था एग्जाम सप्लीमेंट का ये पिछले अटेम्प्ट में ऐड हुआ था सेक्शन 42 का रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के हवाले से। उसके बाद आगे चलते हैं कि भैया चैप्टर 20 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह ये सारी चीजें ये भी पिछली ही बार आ चुकी थी, ये देख लेनी है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो फर्स्ट स्केड्यूल टेबल ए दिया था उन्होंने हमें और जिस पे इतनी बड़ी कंफ्यूजन रही थी कि क्या इसको याद करना है, तो उन्होंने इस बार क्लियर कर दिया कि याद नहीं करना, सिर्फ उसकी हेडिंग या कंटेंट को आपने याद रखना है कि कौन कौन सा कंटेंट उसमें आने वाला है, ठीक हो गया। अब इस तरह आगे चलते हैं मजीद, अगला चैप्टर आ जाता है इसमें देख लेते हैं, काफी लंबा था यार वैसे ये याद करने में तो मसला बनना था आपको, खैर चलते हैं चैप्टर 22 शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। सिंपल ये वही चीज है कि भैया सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये एक छोटा सा टॉपिक क्या कहते हैं ऐड हुआ है सेक्शन 87(2) सबसेक्शन 2 की क्लास 4 वगैरह ये चीजें, और चैप्टर 25 मैनेजमेंट में लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर ये अभी ऐड हुआ है, ये एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये दो सेक्शन जो हैं ये छोटे छोटे उसमें ऐड हुए हैं। ऑडिट और अकाउंट्स वाले में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ये वाला छोटा सा एक टॉपिक ऐड हुआ है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके हम पॉइंट्स बना लेंगे तो 5-10 पॉइंट बनने हैं। तो लिहाजा ये था पूरे का पूरा लॉ का एक ओवरव्यू कि भाई कौन कौन सा डिलीट हो गया कौन सा एडिशन हुई है, तो आप इसको अपने स्टडी टेस्ट के ऊपर काट लें और वहां पे लिख लें कि इनको नहीं करना इनसे जान छूट गई है। आगे एक छोटी सी स्माइली वाली ऐसे दांत निकले हुए जो होती है इमोजी वो बना लीजिएगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है ये निकल गया, और भैया जी इसको तैयार करें इसको कोशिश करें कि निकालने की कोशिश करें। जब इसके क्या कहते हैं स्कीम चेंज होनी है 2021 में जाके, पता नहीं आई कैप किसी वक्त लॉन्च कर दे, इस वक्त आपको पता है क्या कहते हैं आई कैप बहुत ज्यादा वैशी मूड में फिर रहा है, कोई वो बात नहीं कर रहा, तूफान के पहले वाली जो खामोशी होती है वो साफ जाहिर हो रही है, तो कोई पता नहीं किस टाइम भी वो कौन सा सरप्राइज दे सकता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगली पॉलिसी से आते आते इसी अटेम्प्ट में आप इसको निकाल के इससे जान छुड़ा लें इससे पहले कि ये आपके लिए दर्द सर बन जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं फिर उस पर इस बार रह गया तो हम अपना जो पेपर है इसका लॉ का उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।